हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, आखिरकार नेस्टर एलबियास गुवाहाटी आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक और इंडियन प्लेयर को साइन किया है। इप्सन मेलो 48 आवर्स के अंदर गुवाहाटी पहुंच जाएगी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम बोडोलैंड एफसी के मैच में कौन जीता, इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, पहली खबर नेस्टर एलबियास पर है। फाइनली नेस्टर एलबियास गुवाहाटी पहुंच गए हैं और जल्द ही आप लोग नेस्टर एलबियास को ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इस बात कंफर्म है कि नेस्टर एलबियास गुवाहाटी आ गए हैं। दूसरी खबर ब्राजीलियन स्ट्राइकर इप्सन मेलो के बारे में है। गाइस, माइकल जेबा को रोमेन फिलिपिटियो और नेस्टर एलबियास भी गुवाहाटी में पहुंच चुका है, लेकिन इप्सन मेलो अभी तक नहीं आया है। वीजा रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के कारण इप्सन मेलो नहीं आ रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फ्रेंड्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इप्सन मेलो 48 घंटे के अंदर गुवाहाटी पहुंच जाएगी। तीसरी खबर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बनाम बोडोलैंड एफसी के बीच मैच के बारे में है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बोडोलैंड के एफसी के साथ 1-0 स्कोर लाइन से जीत हासिल की। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो जहारलियाना पार्थिव गोगोई मेन टीम के सभी खिलाड़ियों ने कॉल अच्छा खेला, वही कॉल के मैच में पार्थिव गोगोई ने गोल करके नॉर्थ ईस्ट को जीत दिलाई। चौथी खबर ट्रांसफर अपडेट है। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक और इंडियन प्लेयर को साइन करेगा, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि साइन कर लिया है। वो खिलाड़ी बेंगलुरु यूनाइटेड आई लीग टीम का खिलाड़ी है। खिलाड़ी का नाम मैकरान लुई निक्सन है। आइए खिलाड़ी की प्रोफाइल पर चर्चा करें। नेम मैकरान लुइस निक्सन, एज 19 ईयर, सिटीजनशिप इंडिया, पोजीशन अटैक, करंट इंटरनेशनल इंडिया अंडर 20, मार्केट वैल्यू 20 लाख, प्लेस ऑफ बर्थ कर्नाटका, प्लेयर एजेंट BOY इंडिया। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने क्यों बेंगलुरु एफसी के प्लेयर को साइन कर रहा है। इसकी मेन कारण है हमारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के CEO मंदार तामहाने जी। आप लोग सभी जानते ही है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो CEO मंदार तामहाने है वो बेंगलुरु एफसी के CEO थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया था, इसलिए मंदार तामहाने जी ने बेंगलुरु एफसी के जो अच्छा अच्छा प्लेयर है ना उनको साइन कर रहा है। गाइस, एक खबर आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक इंडियन गोलकीपर को साइन करने के लिए ट्राई कर रहा है। वो गोलकीपर कौन हो सकता है अभी तक कोई उनका जानकारी नहीं मिला है, लेकिन एक स्पोर्ट्स सोर्सेस के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक इंडियन अच्छा गोलकीपर को साइन करने के लिए ट्राई कर रहा है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय आए असम, वंदे मातरम।